आज हम बनाएंगे अंगूर की बर्फी। अंगूर खाने में तो खट्टा होता है, बट कभी-कभी कुछ ज़्यादा ही खट्टा हो जाता है, तो इसे ऐसे ना खाकर इसकी मिठाई बना ली जाए। मैंने 1 kg अंगूर लिया है। सबसे पहले हम अंगूर को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। आज के डेट पे इसे अच्छी तरह से धोना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में पानी लिया है। इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इसी में हम अंगूर डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे लगभग आधे घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे। और आधे घंटे के बाद हम इसे अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ कर 2 से 3 पानी धो लेंगे। अब ये अंगूर बर्फी बनाने के लिए एकदम तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं अंगूर की बर्फी बनाना। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक जार। इसमें हम अंगूर को ग्राइंड करेंगे। तो बड़ा वाला जार लिया है ताकि सारे अंगूर इसमें एक साथ ही आ जाए। अगर आपके पास जार छोटा है तो आप 2 बार करके इसे पीस सकते हैं। तो ये हमने अंगूर इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, लगभग 1/4 कप पानी ऐड कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में इसका जूस निकले। और अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत आसान है, झटपट सा तैयार हो जाता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये मिठाई तैयार हो जाती है। तो ये हमने इसका जूस निकाल लिया है और अब इसे छन्नी की मदद से छान लेंगे ताकि इसके छिलके अलग हो जाए। इस तरह से आप इसे छन्नी में डाल करके अच्छी तरह से छान लीजिएगा। लास्ट में छिलके से चम्मच से दबा दबा कर इसका जूस निकाल लीजिएगा। अब निकले हुए जूस को हम मेज़रमेंट कर लेंगे। तो लगभग 4 कप यहाँ पर अंगूर का जूस निकला है। थोड़ा सा हमने इसे पानी ऐड किया था। अब इसमें हम डालेंगे सेकेंड इंग्रेडिएंट, कॉर्नफ्लावर। 1 कप कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में 1.5 कप शक्कर डालेंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। तो लगभग 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और अब शक्कर को हम अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रख सकते हैं। अब आपको जिस भी मोल्ड में बर्फ़ी जमाना हो उसे आप घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। और इसमें आप कुछ खरबूजे के बीज या फिर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसे आप काजू और पिस्ता कट करके इसमें डाल सकते अब हैं। आप देख सकते हैं हमारा शुगर सिरप तैयार हो गया है। हमें इसे ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो देखिए, बस आपको इस तरह एक तार की चाशनी तैयार करनी है। तो अब हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था। उससे पहले इसे एक बार हिला लीजिएगा और अब इसमें हम ऐड कर देंगे। इस मिक्सचर को डालते वक्त गैस का फ्लेम लो रखिएगा और थोड़ी देर में आप गैस का फ्लेम मीडियम कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी से ये गाढ़ा हो जाता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में हमारी ये मिठाई तैयार हो जाती है। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि अब ये गाढ़ा हो चुका है। इस वक्त इसमें हम ऐड करेंगे फूड कलर। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का फूड कलर ऐड किया है। तो मैंने यहाँ पे सूखे पाउडर वाले में हल्का सा पानी डाल करके इसे डाला है। तो मुझे काफ़ी कम लग रहा है, थोड़ा सा इसमें मैं फूड कलर और ऐड करूँगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए इसमें कितना बढ़िया कलर आ गया है और अब ये धीरे धीरे काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब चाहे तो इस स्टेज पर आप इसे चेक करके देख सकते हैं। तो एक प्लेट में हम थोड़ा सा बैटर डालकर देखेंगे। अगर वो इस तरह से जमा हो जाए, मतलब ये बिल्कुल तैयार है बर्फी बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसने बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दी है, ये देखिए। तो ये एक और साइन है इसका कि ये बिल्कुल बर्फी बनाने के लिए तैयार है। तो इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, यहाँ पर गैस ऑफ कर लेंगे और जो हमने मोल्ड तैयार करके रखा है उसमें हम इसे डाल देंगे। एक स्पैचुला की मदद से हम इसे इस तरह से बराबर कर लेंगे। और थोड़ा सा बैटर बचा है उसे मैंने एक छोटे से बॉक्स में जमा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे लगभग 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे ताकि ये अच्छे से तो जम जाए। लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और ये आपको मैं दिखा देती हूँ कि कितना बढ़िया से ये जम चुका है। ये देखिए, इसने अपने साइड्स छोड़ दिए हैं। अब बस एक प्लेट रखेंगे ऊपर से, इसे इस तरह से पलट देंगे और बहुत ही आसानी से ये मोल्ड छोड़ देता है, ये देखिए। और ये देखिए कितना बढ़िया सा ये हमारा बर्फी तैयार हुआ है। अब इसे हम कट करेंगे और बहुत ही आसानी से ये कट भी हो रहा है। अगर आपको खट्टा मीठा टेस्ट पसंद है तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है, खाने में भी ये खट्टा मीठा सा फ्लेवर देने वाला है। तो ये देखिए, तैयार है हमारी अंगूर की बर्फी और बहुत ही अच्छी बर्फी बनकर तैयार हुई है। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही कम समय में, कम इंग्रेडिएंट में और आसानी से बनने वाला ये बर्फी आप बड़ों को या बच्चों, किसी को भी दे, बच्चों को तो ये बर्फी ज़रूर पसंद आएगी।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।